नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। पेनल्टी कॉर्नर पर हम आज बातचीत शुरू करें, इससे पहले दो खबरें आपको बताए थे। एक तो ये कि कल विपक्षी दलों ने जो संगठन बनाया था, यूपीए की जगह इसका नाम रखा था इंडिया, आज इंडिया रखने के खिलाफ दिल्ली के बाराखंबा रोड स्थित थाने में FIR दर्ज कराई गई है और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के एक्ट के मामले में, उनके अपमान के मामले में FIR दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, FIR तो होगी जब कटेगी पता नहीं, पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है अभी हाल ही में, थोड़ी देर पहले। दूसरी खबर आपको ये बताना चाहते हैं कि कर्नाटक में एक जैन मुनि की हत्या हुई थी कुछ दिन पहले, बहुत विभत्स तरीके से। कल यानी कि गुरुवार को जैन समाज राजस्थान में राजस्थान बंद का आह्वान कर चुका है। देखना होगा कि जैन समाज कल अपनी इस आवाज़ को किस तरह से उठाता है, कितनी एकजुटता के साथ उठाता है। अब आज पर आते हैं। आज सबसे बड़ी खबर रही ओसिया में, जोधपुर के ओसिया में एक गांव में एक परिवार के 4 शव मिले, अध जले और जले। उससे पहले कुल्हाड़ी से उनकी हत्या भी कर दी गई थी आज सुबह 4-5 बजे का क्रम में। और इस मामले को दिव्या मद्रेणा ने, जो वहाँ की विधायक हैं, विधानसभा में उठाने की कोशिश की। हालांकि वो प्रश्नकाल शुरू होते वक्त उठाना चाहती थी, विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि प्रश्नकाल के बाद 0 आवर में ऐसी बात उठाई जा सकती थी। दिव्या मद्रेणा का कहना है कि उनको पीड़ित परिवार को देखने, मिलने, जाने, घटनास्थल पहुँचने में टाइम लगता, इसलिए वो चाहती हैं विधानसभा के फ्लोर पर 1 घंटा पहले इस मामले को उठा दें, यानी कि विधानसभा में प्रश्नकाल के समय उठा दें। बस दिव्या मद्रेणा ने अपनी सरकार को क्या घेरा कानून व्यवस्था के मामले में, और बीजेपी को मानो बहुत बड़ी चीज़ हाथ लग गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी बरस पड़े गहलोत सरकार पर, तरह तरह के आरोप लगा दिए, RPSC को लेकर भी घेर दिया। फिर दिल्ली में अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने काफ़ी कुछ कोसा गहलोत सरकार को, बाद में 4-6 घंटे में ही पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। पहले ऐसा लग रहा था कि कोई संगठित गिरोह ने, जरायम पेशा अपराधियों ने ऐसा किया है जो यही करना चाहते हैं, यही करते रहते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बात है। लेकिन बाद में एक इंडिविजुअल मामला निकला कि उनका भतीजा पप्पू राम, वही हत्यारा निकला है अभी तक पुलिस की जाँच में, और उनके परिवार में किसी ने सुसाइड कर लिया था। सूरत में जो मानते हैं कि जमीन विवाद को लेकर जिस परिवार की हत्या की गई उनके कारण ऐसा हुआ था, बदला लेने के लिए पप्पू राम ने 6 महीने की बच्ची सहित इन 4 लोगों को न केवल कुल्हाड़ी से मारा बल्कि बाद में जला भी दिया। बच्ची 6 महीने की पूरी जल गई, बाकी अजले शव मिले। तो ये उस तरह के अपराध नहीं है जिनको लेके कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाए, लेकिन अब वो बात सामने आते आते, पकड़े जाते जाते बहुत टाइम निकल गया, तो वो गहलोत सरकार को घेरने का ये अवसर। दिव्या मद्रेणा तो वहाँ की विधायक हैं, इसलिए उनको तो उठाना ही था मामला, अंदर नहीं बोल पाई तो बाहर आके बोली प्रेस से, मीडिया से। लेकिन बाद में उनके बोलने पर भाजपा ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक सवाल उछालने शुरू किए, गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया। आइए सुनते हैं क्या कहा सबसे पहले दिव्या मद्रेणा ने विधानसभा के बाहर आके मीडिया से, उसके बाद किस तरह CP जोशी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बोले, और फिर अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बरस पड़े। मेरे ऊपर हमला हुआ, आप सबने देखा उसके वीडियो विजुअल्स आए, ऐसा तो था नहीं कि अदृश्य लोग थे। एक अरेस्ट आज तक IG उसमें नहीं करते, एक सिंगल अरेस्ट, और उस फाइल को फिर सिरोही ट्रांसफर कर देते हैं। पता नहीं उसके अंदर क्या सुरखाब पेपर लग रहे हैं कि हाँ अपराध बढ़ा। अब अगर आप ये कहें कि नहीं बढ़ा क्योंकि सब FIR हम 0 FIR करके दर्ज कर रहे हैं, वही एक मुख्य कारण है, तो वो नहीं हो सकता। वो भी एक कारण है ज्यादा अपराध के आंकड़ों का, लेकिन अपराध भी बढ़ा है, इसको आप नकार नहीं सकते। एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम हर मुद्दे पर विफल हो रहे थे, अब चाहे किसी भी साइबर क्राइम हो, चाहे रेप का हो, चाहे हीनियस क्राइम हो, संगठित अपराध हो, बुरी तरीके से हालत राजस्थान में खराब हो रही है। 4.5 वर्षों में जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम राजस्थान की जनता के प्रति ये जवाबदेहिता हमारी रहेगी, कहीं 1% भी, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आम जन में भय व्याप्त हो रहा हो, जहां महिलाएं असुरक्षित हो, अपराधी बेखौफ
अपराध कर रहे हो, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो, जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, लचर कानून व्यवस्था के कारण राजस्थान अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, जहां एक शांति प्रिय प्रदेश है। कांग्रेस की माननीय विधायक वो कहती है, आपने उसका वीडियो सुना होगा, कि मेरे आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चलती है, मुझे सुरक्षा दी हुई है, मैं सुरक्षा के बीच में चलती हूं, फिर भी मेरे पे हमला हो जाता है। कांग्रेस के एमएलए जी, आईजी कार्रवाई नहीं करता। मैं नाम भी ले सकता हूं, दिव्या मदेरणा जी ने ये कहा है आज वीडियो पे। उसी एरिया में एक ही परिवार के चार सदस्यों को जिंदा जला दिया। ये कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है, उसकी हम एक आपको लंबी लिस्ट भी देंगे और दे सकते हैं, जब से ये सरकार आई है। तो सुना आपने, दिव्या मदेरणा से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सबने ये मामला उठाया, अपनी अपनी बात कही। दिव्या मदेरणा ने आईजी को कोसा, जोधपुर के आईजी काम नहीं कर रहे, एसी में बैठे रहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे और कुछ नहीं करते, और एसपी अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो एसपी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनसे ही काम चल जाना चाहिए, आईजी तक बात ही क्यों जाती है। अगर कोई हायरार्की को समझता है तो एसपी ना कर पाए तो आईजी तक बात जाती है। पर फिलहाल माननीय विधायक हैं, उनका सोचना है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन किसी भी परिवार में जमीन जायदाद के झगड़े होना स्वाभाविक है, और उसमें किसी का उद्वेलित हो जाना, किसी का अपराधी बन जाना, इसका मैं नहीं समझता कि राज्य की कानून व्यवस्था से कोई ज़्यादा लेना देना है। लेकिन हाँ, गैंगवार हो, लूट खसोट हो, रेप हो, ये जरूर है कि कानून का डर नहीं है, ये उस स्थिति माना जा सकता है। लेकिन इंडिविजुअल कोई व्यक्ति अपने ही परिवार के लोगों से बदला लेने के लिए इस तरह का हीनियस क्राइम कर दे तो ठीक है, बात खुल के बाद में आई, उससे पहले ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है। बड़ा कांड तो है ही है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने नहीं किया। घर में चाचा भतीजे के बीच कोई विवाद था, भतीजे ने इस काम को अंजाम दे दिया, निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन चुनाव का साल है और कोई भी घटना होती है तो उसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, निकाली जाती है बातें, बातों में से बातें निकली आज, लेकिन एक बड़ा हीनियस क्राइम आज हुआ। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक वीडियो वायरल हुआ आज जयपुर में, प्रदेश में पहुंचा होगा, जयपुर को सीमा नहीं होती वीडियो वायरल होने की, सोशल मीडिया की तो कोई सीमा नहीं है, पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। लेकिन जयपुर की एक होटल की घटना है वो, और उसमें तोड़फोड़ की गई, व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तोड़फोड़ करने वाला व्यक्ति किसी एक मंत्री का भतीजा है, ऐसा कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। हम नहीं जानते, न हम पहचानते हैं उनको, लेकिन जो बात दूसरे मीडिया में आ रही है, किस तरह तोड़फोड़ की गई एक होटल में, और ये देखिए वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए ये मारपिटाई हो रही है होटल में, ये कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, किसी बात पे विवाद हुआ है, लेकिन जो करने वाले लोग हैं उनका एक राज्य सरकार के मंत्री से संबंध बताया जा रहा है। और वीडियो तो काफ़ी कट कट के सामने आए, लेकिन काफ़ी तोड़ फोड़ के वीडियो हैं। अब देखते हैं कि इस मामले में कोई एफआईआर तो कहीं दर्ज की नहीं किसी ने भी। ये देखिए किस तरह सामान फेंका जा रहा है, और अब चूंकि सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है तो क्या पता कोई कॉग्निजेंस ले, कोई इसकी रिपोर्ट दर्ज कराए, तब बात निकलेगी और दूर तक जाएगी।
कौन हैं, किसके संबंधी हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन सब सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे। और ये मार पिटाई का सच सामने आया, जयपुर के एक होटल का मामला है। चलिए अब ठीक देख लिया हमने मारपीट, एक वीडियो वायरल हुआ। हनुमान बेनीवाल की बात लेते हैं। हनुमान बेनीवाल ने कल टोंक में सभा की थी और वहाँ से जयपुर कूच कर दिया, और जयपुर कूच भी इस तरह किया कि जैसे राजधानी को आगे घेर लेंगे, लेकिन उनको चाकसू के पास रोका गया। फिर वो आए जयपुर, उन्होंने राज्य सरकार के प्रतिनिधि से बातचीत की, और अच्छी बात ये रही कि हनुमान बेनीवाल ने जो बजरी माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, बार बार बजरी माफिया को कोस रहे हैं, उन्होंने राज्य सरकार की बात मान करके उस धरने को, घेराव को स्थगित कर दिया और 7 दिन का टाइम दिया राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने उन्हें उनसे जानकारी देने को कहा, स्पष्ट कैटेगरिकली बातचीत हुई, और बातचीत में ये 7 दिन का टाइम हनुमान बेनीवाल ने दिया है कि राज्य सरकार बजरी माफिया पर लगाम लगा ले, नहीं तो 7 दिन बाद वे फिर आंदोलन करेंगे, और इस बार ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। चुनाव का साल है, आंदोलन होंगे ही, ये करेंगे, बीजेपी करेगी, कोई और करेगा, मुद्दे उठेंगे और धीरे धीरे मुद्दे उग्र होते चले जाएंगे, तल्ख होते चले जाएंगे। लेकिन अगर वास्तव में बजरी माफिया सक्रिय है तो रोक लगनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हाँ, बजरी माफिया आज ही सक्रिय नहीं हुआ है, पिछले 4 साल में बजरी माफिया काफ़ी सक्रिय रहा है, और अब तो परमिशन मिलने लगी बजरी की। पहले तो बहुत ही स्थिति खराब थी, कितनी महंगी बजरी मिल रही थी लोगों को, और बजरी माफिया ने कितने सरकारी कर्मचारियों को जो उनको रोक रहे थे रौंद दिया, ट्रैक्टर तले रौंद दिया, कितना भरतपुर में भी कई कांड हुए। तो अब कोई बात नहीं, चुनाव का साल है, और हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठाया, शायद राज्य सरकार ने उनको जो भरोसा दिलाया उस पर सरकार कोई ना कोई कार्रवाई करे। एक और खबर मैं बताना चाहता हूँ आज, वो ये कि अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली ने चंद्रराज सिंघवी को राजस्थान का प्रभारी बनाया, और चंद्रराज सिंघवी बड़े जोर शोर से आए थे, कहा था कि वो कई जगह चुनाव लड़ेंगे, ये करेंगे, कांग्रेस को हराना उनका पहला लक्ष्य होगा। अब उनकी कोई तैयारी है कि नहीं है ये तो वो जाने। फिलहाल शिवसेना उद्धव ठाकरे सक्रिय हो गई, और शिवसेना उद्धव ठाकरे भी जो कि इस कल के अलायंस का हिस्सा है, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ विपक्ष में शामिल है, वो राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वो अपने जो भी उनका तीर कमान चिन्ह है उसके साथ जाएंगी, या कैसे क्या परिस्थिति होगी, आइए सुनते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं। शिवसेना संपूर्ण राजस्थान के अंदर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर माननीय शिवसेना प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे साहब ने हमें आदेश दिया है कि अधिक से अधिक संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ाना है, और दोनों राजनीतिक पार्टियों की कथनी और करनी का अंतर जनता तक पहुंचाना है। और अब ये बात जो उद्धव ठाकरे ने इनसे कही थी, वो तो कल के गठबंधन से पहले कही थी, इंडिया बनने से पहले, इसलिए अब उसमें निश्चित रूप से संशोधन होगा कि दोनों पार्टियों की कथनी करने के अंतर को बताएंगे, या सिर्फ एक पार्टी कथनी करने के अंतर को बताएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। एक गठबंधन इन्होंने बेंगलुरु में कल किया है, उसके अकॉर्डिंग तो राजस्थान में वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे तय होना चाहिए, पर क्या पता गठबंधन विधानसभा चुनाव में ना लगे, क्योंकि CPM भी यहाँ चुनाव लड़ेगी, हो सकता है आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़े, तो इस गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित रहे, मोदी की सरकार को हटाने के उद्देश्य को लेकर बनाया गया गठबंधन। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई घटनाओं के साथ, नई सूचनाओं के साथ, नई खबरों के साथ। नमस्कार।